वृंदावन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह बुधवार को वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन किए। वहीं वृंदावन प्रवास कर रहे शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज के जन्मदिन पर चुन्नी उड़ाकर उनका स्वागत किया। साथ ही पत्रकारों से रूबरू श्री सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा पर जातिवाद की राजनीतिक पर उतर आए हैं, इसलिए एसटी एक्ट जैसे मुद्दों को उछालकर जनता को लड़ाने का कार्य कर रही हैं। कहा, सरकार महंगाई पर तो नहीं लगा सकी, लेकिन जीएसटी लागू कर गरीबों को व्यवसाय पर रोक लगाने में आवश्यक कामयाब हो गई। इससे पूर्व श्री सिंह ने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर सेवायक विशाल गोस्वामी ने सेवायक विशाल गोस्वामी के सानिध्य में ठाकुर जी का पूजन अर्चन किया। देर शाम श्री सिंह फोगला आश्रम चल रहे त्रिदिवसीय स्वरूपानंद महाराज के जन्मोत्सव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस अवसर पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता पूर्व विधायक श्री प्रदीप माथुर जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोहन सिंह सिसोदिया, वृंदावन नगर अध्यक्ष नूतन बिहारी पारीख, पंडित शशिकांत सरस्वत, मुकेश धनगर, ऋषि शर्मा, श्याम डूबे, दिनेश चौधरी, राम भरोसे चौधरी, यश प्रताप सिंह आदि ने माननीय दिग्विजय सिंह जी का स्वागत किया। हम ये बरहा जयंती का आयोजन प्रतिवर्ष करते हैं और इस दिन हम जो है वृंदावन ग्रीन अवार्ड्स देते हैं। हमारा ये मानना है बरहा जयंती, बरहा देव ने पृथ्वी को बचाया था, इसलिए पृथ्वी दिवस के रूप में, वैदिक पृथ्वी दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। और प्रतिवर्ष बरहा जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बरहा जी का नृत्य होता है और जो हरित वृंदावन, हरित ब्रज, हरित पृथ्वी के लिए काम कार्य करते हैं उनको हम सम्मान करते हैं। और ये संस्था, हमारी जो संस्था है फ्रेंड्स ऑफ वृंदावन, इसका नाम है, पिछले 25 वर्षों से हम ब्रज वृंदावन की सेवा में पर्यावरण के क्षेत्र में हम लोग भी काम कर रहे हैं और इसलिए बाकी हमारे जो साथी लोग हैं जो काम करते हैं उसको हम सम्मानित करते हैं। ये सब सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हो रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या और नृत्य, बच्चों का हमारे इको स्कूल पार्टनर समित गुरुकुल ने नृत्य किया है, बरहा जी का जो यहाँ पर फोक म्यूजिक है, फोक डांस है, वो होगा, तो इस तरह से कार्यक्रम होगा।